हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमबीपीएससी मेंस 2020 के लिए कोर्सेज की डिमांड आपकी काफी लंबे समय से थी और उस डिमांड को मैंने अभी पूरा कर दिया है। एमबीपीएससी मेंस 2020 पेपर टू का जो कोर्स है, पेपर टू का कोर्स लॉन्च हो चुका है और आने वाले समय पे बाकी जो पेपर 1, 2, 1, 4 और 3 है वो भी आने वाले समय में लॉन्च हो जाएंगे। अभी 2020 पेपर टू लॉन्च किया गया है और ये कोर्स आपको मेरी प्रोफाइल के ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस कोर्स का जो लिंक है वो लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। तो किस तरह से हम इसमें तैयारी करेंगे, क्या टॉपिक्स इसके अंदर होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो 24 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 24 तारीख से जो कोर्स है, 24 तारीख से कोर्स स्टार्ट होकर आपके मई के मंथ तक पूरा जो कोर्स है, पूरा कोर्स अभी यहाँ पर चलेगा। सबसे पहले तो आप अगर इनरोल उसको कोर्स को आपको इनरोल करने का है, इनरोल पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन इनरोल द कोर्स, है ना। आपको अगर इनरोल नहीं किया है तो आपको ग्रीन कलर दिखेगा बटन का, है ना, ग्रीन बटन दिखेगा और उसके बाद ग्रीन बटन पे आप क्लिक करके उसको इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो कोर्स स्टार्ट होता है 24 तारीख से। टोटल अगर मैं लेसन की बात करूं तो टोटल 34 लेसन इसके अंदर यहाँ पे होंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको स्क्रीन पे इसको सही से आप देख सके। तो 24 तारीख को हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी और सिलेबस डिस्कशन की, कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है या कैसे तैयारी करेंगे। ओके, तो सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि पूरी जो 10 यूनिट है आपकी, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, मतलब पार्ट ए की 5 यूनिट और पार्ट बी की 5 यूनिट, तो सभी 10 यूनिट इसके अंदर कवर होंगी। हर यूनिट को हम पढ़ेंगे, 2-2 घंटे के लेसन होंगे। सुबह 9 बजे क्लास होगी, 9 से 11 तक क्लास रहेगी, ठीक है। और यूनिट 1 है, यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 1 के ऊपर जो बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, है ना। जो भी आपके मेंस के अंदर आते हैं, तो आपका जैसे टॉपिक 1 है या आपका जो पूरा यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट 1 है तो यूनिट 1 3 लेक्चर में खत्म होगी, लेसन 3 पे यूनिट 1 खत्म हुआ, ठीक है। तो जैसे यूनिट 1 खत्म होगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा क्लास के दौरान ही, उसका एक पीपीटी मैं आपको दे दूंगा या एक वर्ड फाइल के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए स्पेशली आपको क्या करना है कि आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, है ना, वो आप तो क्लास से डाउनलोड कर ही सकते हैं। उसके अलावा अपडेट का जो सेक्शन है, आप अपडेट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है। आपको बाद में जो है अपडेट का जो सेक्शन है यहां पर आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है, बाकी पीडीएफ्स है या जो आपके आंसर राइटिंग के जो यूनिट्स वगैरह हैं, उसके जो हैंडआउट्स वगैरह हैं, वो कई चीजें आपको उसके अंदर यहां पे मिल जाएगी। जैसे यूनिट 1 खत्म होगा उसके बाद वी आर डिस्कसिंग कि अभी उसके बाद हम बात करेंगे कि जो यूनिट 1 के क्वेश्चंस है वो मैं आपको दूंगा, 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर, तीनों तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद अभी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम उसके आंसर राइटिंग है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि वो क्वेश्चंस आंसर्स कैसे लिखने थे, अगर किसी ने लिख के भेजे हैं तो वो कैसे लिखना था, उसमें क्या कमी थी, या इट मे बी पॉसिबल कि हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर क्या हो सकता था, है ना। मॉडल आंसर नाम की कोई चीज नहीं होती, कि सब अच्छा लिखते हैं, अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन एक बेस्ट वे उसको लिखने का क्या हो सकता था। सेम उसी प्रकार से यूनिट 2 है, यूनिट 2 स्टार्ट होगी ना, उसके बाद आपको 2-3 पार्ट के अंदर आपका यूनिट 2 होगा। यूनिट 2 खत्म होने के बाद उसके ऊपर जो डिस्कशन, जो आंसर राइटिंग है, तो आंसर राइटिंग यहाँ पे होगा। देन सेम आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 होगा, उसके ऊपर आंसर डिस्कशन, यूनिट 5 यूनिट हो जाएगी, ओके। उसके बाद आपका जो पार्ट बी है, वी विल स्टार्ट द पार्ट बी, ओके, तो वो पार्ट बी स्टार्ट होगा, यूनिट जो पार्ट बी है उसका यूनिट 1, उसके ऊपर सेम यूनिट 1, यूनिट पूरा यूनिट है उसके ऊपर आपके आंसर राइटिंग डिस्कशन, ठीक है। इस प्रकार से पूरा डिस्कशन हम करेंगे और लास्ट में जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, है ना, आपके 29th ऑफ मे को, 27th ऑफ मे को, तो पूरा जो पेपर 2 है, तो पूरा एक कंबाइंड आंसर राइटिंग उसके अंदर हम यहां पे अभी करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि अभी 2020 आया नहीं है, ये कुछ चीजें हैं, तो एग्जाम के आने का वेट मत करो, क्योंकि मेंस के जो सिलेबस है वो काफी वास्ट होते हैं, ठीक है। यूपीएससी के स्टूडेंट को आप देखिए, वो पूरे साल उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहां पे सिलेबस कंप्लीट होने के साथ ही आपको जो कंप्लीट आंसर राइटिंग है वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसकी मैं आपको ये बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करने का है कि उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है, है ना। कोई भी अगर आपका कोर्स है तो यू कैन क्लिक ऑन द एक मिनट, ओके। सो मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल बता देता हूं, है ना, क्योंकि जैसे मैं आपको एमबीपीएससी ही आपको लेना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जस्ट वेट, ओके। सो जस्ट वेट, एक्चुअली इसको मैंने लॉग इन कर लिया था तो उसके कारण दिक्कत हो गई।
है ना। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कैटेगरी, अब ऑब्वियसली बात है आप एमपीपीएससी तैयार कर रहे हैं तो एमपीपीएससी जो कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओके, अब आप अगर एक महीने का कोर्स लेंगे तो इट कॉस्ट 1400 रुपीज, जो काफी महंगा है। बट अगर वहीं पर आप एक साल का कोर्स लेते हैं या फिर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दो साल का कोर्स भी ले सकते हैं, वो और सस्ता पड़ेगा। एक साल का जो कोर्स है उसका आपको 58% डिस्काउंट यहां पर आपको मिल रहा है, बट 7000 रुपीज में। बट यहां पर और डिस्काउंट आपको मिल सकता है, उसको सिंपली जो मेरा कोड है इट इज द पवन लाइव, ये कोड आपको यूज करने का है। जैसे ये कोड आप यूज करेंगे, है ना, एक मिनट हट जा भाई। हाँ, तो एक मिनट मैं कोड डाल के आपको बता देता हूं। तो जैसे ही आप कोड डालेंगे, इट्स पवन लाइव, एंड आपको उसको अप्लाई करना है। अब जैसे ही कोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये 10% डिस्काउंट है, 6300 पूरा कोर्स आपको हो गया, है ना। तो इसको अभी प्रोसीड टू आप पे करेंगे, और जैसे आप प्रोसीड टू पे करेंगे, है ना, कोड का यूज करने के बाद, उसके अलावा आपको एक ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आप जो क्रेडिट पॉइंट्स है आपके वो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जब लेक्चर आप देखते हैं तो यू गॉट सम क्रेडिट पॉइंट, उन क्रेडिट पॉइंट भी आप रिडीम यहां पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपका पेमेंट ऑप्शन है उस पेमेंट मेथड को आप चूज करें, है ना, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी आपका पेमेंट ऑप्शन है, तो वो पेमेंट ऑप्शन को चूज करके अभी आप सब्सक्रिप्शन जो है वहां पर ले सकते हैं। कोड जो है पवन लाइव, ये यूज करना मत भूलिएगा। जूम करके और दिखा देता हूं कि कोड कौन सा है। इस कोड को रट लो और यही कोड आपको आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर यहां पे यूज करना है, ठीक है। सो गेट सब्सक्राइब और ऑल द बेस्ट फॉर योर एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन। साथ ही 2020 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस, जो कोर्सेज हैं वो भी ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनको भी आप जाकर वो कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और टॉप एजुकेटर के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है एमपीपीएससी की उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।